जल्द ही धड़क 2 आने वाली है, आप एक्साइटेड हो उस फिल्म के लिए? नहीं उतना नहीं एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि फर्स्ट मूवी में मुझे कुछ खास नहीं लगा। क्या ना, जो मैंने फर्स्ट वो देखी हुई थी ना, फर्स्ट मूवी, तो मुझे कुछ खास तो लगी नहीं, देख तो लिया मैंने, है ना। और इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट आ रहा है तो मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं, इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट भी आ रहा है तो मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं पता ही नहीं था, एक्साइटेड होने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। तो चेंज करेंगे क्योंकि आजकल जो है ना ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, सेम कंटेंट आप उसको पेश करोगे तो वो जाएगी नहीं, बॉयकट कर देगी, बोलेगी 1 और 2 में कुछ अंतर ही नहीं है। और 2 देखने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं शांतनु पांडे, वो सिद्धांत चतुर्वेदी के दोस्त बने हुए हैं उस पर, हाँ तो उनके लिए तो मैं ज़रूर देखूँगा। तो एक्साइटेड तो नहीं हूँ उतना, बस थोड़ा सा हूँ भी थोड़ा सा, इसलिए वो कि चतुर्वेदी है उसमें, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति दिमरी तो अच्छे आर्टिस्ट हैं और पहले उन्होंने अच्छा काम किया है, पहले भी दोनों ने ही। तो अभी जल्द ही एक रीमेक फिल्म आने वाली है और ये फिल्म एक रीमेक फिल्म का ही रीमेक है। जी हाँ, हम धड़क की बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि वो कितना एक्साइटेड है धड़क 2 के लिए। तो चलिए बात करते हैं उनसे। भाई अभी जल्द ही धड़क 2 आने वाली है, आप एक्साइटेड हो उस फिल्म के लिए? नहीं उतना नहीं एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि फर्स्ट मूवी में मुझे कुछ खास नहीं लगा। हाँ भाई मैं एक्साइटेड हूँ यार। एक्साइटेड तो नहीं हूँ उतना। दिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी है, तो आपको लग रहा है कि दोनों एक्टर्स अपने कैरेक्टर को जस्टिस देंगे अपने एक्टिंग से? सिद्धांत तो अच्छा एक्टर है। तृप्ति नहीं है? मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। मैं सिद्धांत का फैन हूँ मैं। मैंने उसकी पहली फिल्म जो आई थी वो क्या नाम था उसके, रणवीर सिंह के साथ गली बॉय, तो उसने बहुत अच्छा काम किया, मतलब देख के। उन्होंने इनसाइड एज में भी काम किया, इनसाइड एज अमेजन पर उन्होंने देखी, मैंने ये देखी हुई है। तो इसके अंदर क्या है कि इसने ऐसा बहुत इतना अच्छा काम किया कि लगा ही नहीं कि कोई एक्टर उसमें परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे रैपर को उठा लिया है और वो कर रहा है। तो वो तो अच्छा एक्टर है तो वही अच्छा ही करेगा। और तृप्ति जो है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो क्या ही बोलूँ मैं। हाँ सिद्धांत तो यार बहुत अच्छा एक्टर है, गली बॉय से मैं उसका फ़ैन रहा हूँ, बहुत मस्त रोल किया था। आई होप कि इसको भी, इस कैरेक्टर को भी जस्टिफाई कर पाएगा। तृप्ति डिमरी तो मैंने उसका ज़्यादा काम देखा नहीं है, काला पे उसका काम मुझे पसंद आया था, हाँ उसके बाद से मैं ये देखूँगा। वो तो दिया ही होगा, पर मुझे लगता नहीं कि कुछ इनके पास कुछ नया होगा स्टोरी। बाकी वो तो एक्टर, वो क्या कर सकते, सिर्फ अपने कैरेक्टर को अच्छे से कर सकते हैं, बाकी तो स्टोरी तो मुझे लगता नहीं कुछ खास होगी। देखिए क्या होता है, बट उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ तो लगता नहीं कुछ ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि धड़क 2 में कहानी कुछ डिफरेंट होगी कि या वही कहानी, जात पात, लड़का लड़की, उसमें लड़का मर जाता है, यही सब होगी? उसी पे बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है उसी पे कहानी को बढ़ाएंगे और कुछ ज़्यादा चेंजिंग की तो आशा कम लग रही है। हाँ मुझे लगता है चेंज करेंगे क्योंकि आजकल जो है ना ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, सेम कंटेंट आप उसको पेश करोगे तो वो जाएगी नहीं, बॉयकट कर देगी, बोलेगी 1 और 2 में कुछ अंतर ही नहीं है। और 2 देखने के लिए मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं शांतनु पांडे, वो सिद्धांत चतुर्वेदी के दोस्त बने हुए हैं उस पर, हाँ तो उनके लिए तो मैं ज़रूर देखूँगा। कुछ है नहीं यार हिंदी में, कुछ बचा ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ। अब सैराट देख लो तुम, मैंने उसकी पंजाबी भी देखी है, सैराट भी देखी है, पंजाबी में नाम मुझे पता नहीं, वो भी देखी है मैंने। इससे तो अच्छी है दोनों, सैराट तो बहुत अच्छी है, एक बहुत ये मतलब एक बिजनेस पर्पज से बना दिए फिल्म जैसे। धड़क जो मूवी थी वो मराठी की आइकॉनिक फिल्म सैराट का कॉपी है, तो आपको अगर चूज करना हो तो आप सैराट चूज करोगे कि धड़क चूज करोगे? जाहिर सी बात है सैराट। मैं तो सैराट देखा नहीं हूँ एक्चुअली, बस गाना सुना उसका। अब सैराट बोल रहे हो वो तो मैंने देखी नहीं है ना, मुझे कुछ आइडिया कैसा है, पर एक बार मैं ओरिजिनल देखना चाहूंगा मैं सैराट। आपको पसंद है? अच्छा तो जो उसमें गाना भी था झिंगाट, तो गाना का भी रीमेक हुआ है, तो गाना कौन सा चूज करोगे, ओरिजिनल की रीमेक वाला? अच्छा अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है, क्योंकि मैंने जब वो फिल्म आई थी तो मैंने सेम टाइम पे तीनों फिल्म देखी थी, पंजाबी भी देखी थी और हिंदी वाली भी और सैराट भी देखी, तो मुझे थोड़ा याद नहीं है। हाँ मैंने सिर्फ हिंदी वाला सुना, मराठी तो समझ भी नहीं आती, तो खैर वो समझ नहीं आती तो मतलब ही नहीं बनता ना। कौन सा चूज कर? ओरिजिनल वाला यार, ऑफ कोर्स यार, मराठी वाला। तो लोग अब धड़क 2 के लिए एक्साइटेड है भी और नहीं भी, बट आप हमें कमेंट सेक्शन बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो धड़क 2 के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।